शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये शर्म नहीं आता है? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। किधर से लाके देगा बाबा वो तोतला सांड को पैसा? किधर से लाके देगा तू? गुनेगार हूं ना मैं आपका। अब तो एक ही रास्ता बचा है मेरे पास। तो आपका धोती बेचेगा मेरा? हर इंसान के पास दो किडनी होती है। तो? लेकिन इंसान एक किडनी पर भी तो जिंदा रह सकता है। क्या बात कर रहे रे बाबा? किसी पैसे वाले पेशेंट को एक किडनी बेच दूंगा, बहुत पैसे आ जाएंगे। फिर एक आंख बेच दूंगा और पैसे आ जाएंगे। फिर एक किडनी, फिर एक आंख, ऐसे करके सारा शरीर बेच दूंगा मैं। इसी में मैं तिवारी का कर्जा चुका के अपने पापों का प्रायश्चित पूरा करूंगा। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। तू बापू राव के लिए अपना किडनी बेचेगा, अपना आंख बेचेगा? है देवा, देव मानुष निकला रे तू। देव, मैं अपनी किडनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके किडनी और आंखों की बात कर रहा हूँ। छोड़ना मत इसको, मर्डर कर देना इसका। तुम मेरे को मारेगा, तुम मेरा बहू भैया, बहू भैया लग जाएगी। क्या कर रहे हो? देखो मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्या कर रहे हो भैया? मर्डर हो जाएगा, मजाक कर रहा था मैं बहू भैया। अरे टमाटर है बाबू भैया, टमाटर है। टमाटर चलो शांत हो जाइए, चलिए चलिए आप बाबू भैया, चलिए लेके जाओ टमाटर का चटनी दिखा दे कूतरे। टमाटर मूली की तरह आप शांत हो जाइए, आप अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हैं? साला मेरा मन तो ऐसा करता कि वो मदर इंडिया के अंदर वो मां ने कसम बेटे को गोली मार दिया था, वैसा मैं फादर इंडिया बनके साला राज को उड़ा देता। आप बंदूक हटाइए, शांत हो जाइए आप। एक्सक्यूज मी यंग मैन, चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे ये रंगीन चद्दर कौन है बाबा? पता नहीं। हाँ, मैं देवदास हूँ। परु पारने रे पीटर, तेरे को नानजी के यहाँ राणा बना के भेजा था मैं, तो क्या उसने रानी बना के भेज दिया? छिछोरे बने क्या कर रहा रे? बहुत खतरा है, वो नानजी भाई के कबूतर इधर उधर घूमता रहता है, अगर किसी को पता चल गया मैं इधर आया हूँ तो मेरे गेम बचा देंगे। अबे नानजी से इतनी तरक्की तो यहाँ जग मार रहे। नानजी भाई का खजाने का पता चल गया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नानजी भाई अभी आएगा रोड पे। माल की देर है, चलिए जरा बता। खेतवाड़ी पुलिस चौकी के ऊपर एक टेरेस फ्लैट है, वहां मैंने अपनी आंखों से देखा, जूते के बॉक्स में करोड़ों में रुपया भरा के रखा है, दो बैग में कम से कम 3-4 करोड़ होंगे। ये हुई ना बात, कल दोपहर को करोड़ों रुपया उधर से उड़ा के इधर, और उसके बाद अब नानजी भाई से भी बड़े भाई बन जाएंगे। भाई अब कमाल है, भाई कमाल है, कमाल। नानजी, नानजी को नानजी बनाने वाला कौन है? आप ना भाई, आप भाई। मेरा 50% डोंट फॉरगेट। अबे तेरा 50% पक्का, मेरा 50%, बाकी बच्चे लोग आओ। पेलीची नागिन निकाली, मुन्ना पर डोला अलगला। पेलीची नागिन निकाली, मुन्ना पर डोला। भाई मेरे को लगता है लड़की सीटी मार रही है। अबे पीएल हम लोग चढ़ी तेरे को है, ये ड्रेस पहना है ना, अभी तो खाली सीटी मार रही है, निकल लेने से झाड़ू मारेगी। फर्स्ट क्लास, खाली खाली हो गया फर्स्ट क्लास। भैया मेरी बात सुनो, इधर आओ, चलो उधर। नहीं मेरे को किडनी नहीं बेचने का है। अरे आपकी किडनी नहीं चाहिए मुझे। नहीं मेरे को आंख नहीं बेचने का, आंख और किडनी नहीं चाहिए। आप लोग चलो मेरे साथ, नहीं चलो मेरे को, चलो मेरे साथ, जल्दी आओ, कम ऑन। एक ऐसी बात सुनी है मैंने कि सुन के तुम लोग पागल हो जाओगे। कौन से रेडियो पे सुना रहे तूने? अरे रेडियो स्टेशन पे नहीं, वो अपना बाजू वाला नहीं है मुन्ना, धोतर चोर नहीं, कसम से बोलता हूँ, गुरु घंटाल आदमी है, मैंने खुद अपनी आंखों से अपने कानों से सुना है।
उन लोग बात कर रहे थे कम से कम 4 करोड़ रुपए चोरी करने की बात कर रहे थे। चोरी करके वो लोग अपने बाजू वाले कमरे में लाने वाले। तो जाके पुलिस स्टेशन में बताना हमें यहाँ ऊपर क्यों लाया। अरे मेरे पास एक मस्त प्लान है। क्या है ना मालूम आपको? हाँ। वो मुन्ना और उसके आदमी जब चोरी करने के लिए घर से निकलेंगे ना, अपन चुपचाप बेस बदल के उसके रूम में जाके बैठ जाएंगे। जैसे उन लोग माल लेकर आएंगे ना, सामने बंदूक रख देंगे और सारा माल उनका लेके निकल जाएंगे। और अपने को वो तोतला तिवारी को कितना 40 लाख देने का ना। 40 लाख अगर 4 करोड़ से निकल जाता तो कितना बचेगा अपने पास? 360। हिसाब बराबर याद रखते हो। 360 उसको अपने पास रखेंगे और फिर उसके बाद 30 जन हिस्सा कर लेंगे। हाँ। और ये शेयर छोड़ के ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है? हाँ। बकवास कर रही है। हमें रोड पे ले आया, अभी जेल में डालेगा क्या पत्थर तोड़ने के लिए? बाबूया आप इसकी बातों में मत आना, ये फिर से फंसाने की प्लान कर रहा है। अरे पहले हम लोग क्या कम फंसे हुए हैं? वो लोग 40 लाख मांगेंगे तो कहाँ से 40 लाख देंगे उनको? बाबूया वो काला सांड और वो कुतुब मीनार जब पैसे मांगेंगे तो क्या जवाब देंगे उनको? पप्पू की बहन को क्या जवाब देगा? खुदकुशी करेगा यहाँ से? मर्डर करूंगा तेरा। बाबूया मैं तो बोलता हूँ फसाद की जड़ को, बर्बादी के जड़ को नीचे फेंक देते हैं। फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, ऊपर से नीचे नहीं बचूंगा। फेंक दो मुझे, फेंक दो, फेंक दे मेरे को। मारकर तुम लोग भी नहीं बचने वाले। अरे आप तो समझदार है, समझाओ इस बेवकूफ को। मैं समझता हूँ रे बाबा। क्या समझते हैं आप ठीक से समझिए। ये हमें डाका डालने के लिए समझा रहा है, फिर कल कहेगा कि उसका खून भी कर दो। बरोबर। अरे खाक बराबर है। मैं मंदिर से चोरी करने को थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो चोर के घर से चोरी करने को बोल रहा हूँ, खून करने को थोड़ी बोल रहा हूँ। तू समझा श्याम, ये खून करने को नहीं बोल रहा है रे। बाबू भैया गलत रास्ता है ये। यही सही रास्ता है। गलत रास्ता है मैं बोलता हूँ, यही सही रास्ता है। गलत रास्ता है बाबू भैया। नहीं यही सही रास्ता है। सही रास्ता? अरे कैसे सही रास्ता है? मैं बोलता हूँ यही सही रास्ता है। तेरे पास कोई और रास्ता है? तू बंदूक कहां से लाएगा राजू? उसकी फिक्र मत करो, मैं बंदोबस्त करेगा। उसकी फिक्र मत कर जी। इस किताब में जो बंदूकें हैं ना, वो सब 15 बंदूकें एक येड़े पारसी के पास हैं, और वो 3 खास बंदूकें भी सेठ जी, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों की कीमत है। धन्यवाद सेठ जी। तेदी, मैं तो बोलता हूँ तब तक पैसे नहीं आते, इतने तो नहीं तोलते, क्या बोलते हो? ठीक है, लेते होते उत्पाद भी होती बंदूक पे तो पता चला। तेदी ओ बालती ताला, मुंबई में और 15 बंदूकें भी इतने पाते, लेकिन ताले तक तो अटैच पता नहीं है। अरे तो सो ढूंढो, मुझे सपने में पारसी नजर आता है, बंदूकें नजर आती है। पारसी बंदूकें? सर जी अगर उस पारसी से मैं वो 15 बंदूकें ला के दूं तो? तू तो जल्द लाता दे। सर जी ये मेरी जिम्मेदारी है, आप सिर्फ मुझे 2 दिन का मौका दीजिए, मैं आपको ला के दूंगा। ठीक है, अगर तू वो 15 बंदूकें मुझे ला तल देगा तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। देखो बंगले के अंदर पारसी सोया हुआ है, उसको जगा लेगा। के पास 15 बंदूकें हैं। 15? उन बंदूकों को फटाफट उठा के लाना है। हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म निकाल जल्दी। ये ले। डाल। और? 1 मिनट। मस्त है, चल। और 17? क्या बात कर रहा है 17 गन? और ये 3 20? लेकिन पप्पू ने तो 15 बोला था। आइडिया, 15 की जगह पे 17 दे डालते हैं उसको, 2 एक्स्ट्रा, वो खुश हो जाएगा। और सुन, ये 3 है ना, हम लोग चोर बाजार में बेच डालते हैं 50-50, क्या बोलता है?
लेकिन पप्पू को बोलना मत। नहीं बोलूंगा। हलाम दादे, कहाँ है वो तीन बंदूक? कौन सी तीन बंदूक? आपने 15 बोली में 17 लाया। अबे ये तीन बंदूक किधर है? अबे ये तीन बंदूक इंटरनेशनल मार्शल में सलोल होती थी। बता किधर है? अबे बोल किधर है? तेरे को तो गाली डालूंगा। मैं लाता हूँ, मैं लाता हूँ सर जी, मैं लाता हूँ, मैं लाता हूँ। एक और एक 11। टीचर का नहीं सुनने का वो पागल है। बंदूक किधर है? ये स्कूल में जाएगा ना तो ऐसा हालत होएगा। खुद के पास बंदूक और हमको पूछता है बंदूक किधर है? ज्यादा नौटंकी मत कर साले, छह की छह गोलियां घुसाऊंगा पेट में। वो तीन बड़ी वाली बंदूकें कहाँ है? वो हाँ, वो तो मैंने बेच डाली भाई। क्या बेच डाली? तेरे को किसने बोला था ये बंदूकें बेचने के लिए? तेरे को जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, तेरे को डबल चाहिए ट्रिपल जितना चाहिए सब दूंगा, लेकिन वो तूने बंदूकें किसको बेची? अभी वो रहता कहाँ है मुझे कैसे मालूम? राजू, ये असली है या नकली? असली है यार। क्या बात कर रहा है? ये अंदर गोली है क्या? क्या है? बहुत अंदर है, लेकिन बहुत अंदर है। ये गिरा क्या? गिरा हा? अरे छोड़ो ना, कुछ नहीं गिरा। अरे साला गिरा हो तो ऐसा दो चार फेंक के मार दूंगा। अरे जो भी है, ये बंद तकदीर का ताला खोलने वाली है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। देखिए चोर के घर में चोरी। अरे होगी होगी फिर हेरा फेरी। इतना टाइम हो गया, पता नहीं मुन्ना भाई इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। आगे पुलिस। अरे पुलिस तो नीचे रोज आती है। अबे ये वो पुलिस नहीं, लगता है स्पेशल ब्रांच का पुलिस है। तुम लोग भागो इधर से। अब क्या होगा? देखते पुलिस की रेड पड़ गई है। तुम लोग अपने अपने गांव भाग जाओ, मैं संभाल लूंगा। लेकिन नानजी भाई, नानजी भाई को मैं संभाल लूंगा। भागो। संभालोगे ना? अरे भागो उधर से। नहीं, पुलिस आ रही है, पीछे के रास्ते से जाओ। भागो भागो। अरे जाओ भागो इधर से भागो। साहब साहब, पुलिस स्टेशन तो इधर है, आप ऊपर कहाँ जा रहे हो? कौन सा सेक्शन? कौन सा सेक्शन? मैं पुलिस नहीं हूँ। फिर? सीआईडी हूँ। पर साहब, फिर आपने ये पुलिस वाले की वर्दी क्यों पहनी है? अभी क्या, सादे कपड़े में सबको डाउट जाता है कि ये सीआईडी का आदमी है। पुलिस का वर्दी पहनेगा तो किसको डाउट जाएगा कि सीआईडी का आदमी है? वाह वाह, क्या आइडिया है। ताली क्या मारता है? सलाम मार। सारे सब सब एकदम कोई नहीं लगा। अरे यहाँ कोई नहीं है, पूरा लाइन क्लियर है। मैंने उनको बोला कि पुलिस आ गया। पुलिस आप लोग है, आप लोग है पुलिस। क्या डरा दिया यार तूने? रोकड़ा कहाँ? अरे रोकड़ा तो नानजी भाई कल ही ले गए। हा? लेकिन अंदर जो माल पड़ा है रोकड़े से कम नहीं है, कम से कम 3-4 करोड़ का होगा। ये किधर है? पूरा बैग भर ले रे। किधर है? अंदर है रे। ये नांजी से कांजी निकाली। ये देखो माल डोला या लगला, कम से कम 3-4 करोड़ का है। यो हो गुड गुड, मैंने दो बैग भी रेडी किया है। या अब मैं नांजी भाई की खटिया खड़ी कर दूंगा और अब मुझे भाई बनने से कोई रोक नहीं सकता। या भाई बनाया, भाई बनाया तूने। अच्छा और पापा, मेरा मोहिनी थिएटर का पीटी से जोकर का ड्रेस भी मिल गया। अच्छा और पापा, आप लोग चुपचाप कहीं ना कहीं छुप जाओ। चलो छिपने का। चलो आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? अरे बाबा अपने घर में छुपने का, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बराबर कहने राजू। बाबू भैया चुप ना, नाम नहीं लेने का। तू समझा श्याम, ये राजू बराबर बोलता है, किसी का नाम नहीं लेने का। हो टोपी संभालो। नाम क्यों ले रहे हैं आप? चुप जाओ, कहीं भी पीछे जाके छुप जाओ सब लोग। अरे क्या कर रहे हो आप? तू बोला ना पीछे छुप जाने को। अरे मेरे पीछे मत छुपो, उधर जाके कहीं छुपो। अरे जल्दी चलो, पड़ोसियों को पता नहीं चलना चाहिए, काम करो तरीके से। यस दरवाजे को देख, चाबी मत दे, चाबी निकाल। पुलिस 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 पुलिस।
अरे बाप रे पुलिस है। पुलिस लेकिन इसी जोकर की ड्रेस में। अरे ये तो बाजू वाला है। ये तो धोतर चोर है रे। अरे तो फिर हम डर क्यों रहे हैं इनसे? ये असली पुलिस हमारे बाबा। लगते खुफिया पुलिस है। साहब सीबीआई से क्या आप लोग? नहीं एसआरबी। एसआरबी? एसआरबी बोले तो स्पेशल ब्रांच के होते हैं, तेरे को नहीं मालूम है? भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। कोई एक दूसरे के पैर नहीं दबाएगा। नहीं करे सर। बैग पीछे करो। नीचे जल्दी। और अब हाथ ऊपर करो जोकरेस। जा मां तू रस्सी लेके आओ। जोकर भी रस्सी ले आओ। रस्सी रस्सी तो मैं भूल गया रे राजू। रस्सी भूल गए बेवकूफ। बी कैटेगरी के सी क्लास लोग। कहीं से भी रस्सी लेके आओ। जोकरार मेरा पजामा का नाड़ा चलेगा? नहीं। या बाबा ये तेरे पास रस्सी है क्या घर में? रस्सी मैं थोड़ा घाई घाई में भूल गया रे। रस्सी है मगर वो क्या है कि बांद्रा में है। जाके लेके आऊं क्या? अभी लेके आता हूं। बांद्रा नहीं रे बाबा, तेरी खोली के सामने तो जिस पर कपड़ा सूखा था है ना वो रस्सी ला। जा लेके आ। लेके आऊं? लेके आना। एक मिनट। हां वो तेरा कपड़ा सूखा था वो ही रस्सी लाना बाजू वाले का। साहब आपका आवाज किधर देखेले लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है रे। ऐसा ना बिट्टस बिट्टस। हाँ रस्सी रस्सी लेके जाने। घूम क्या घूम क्या रिवर्स। हाँ चले गए इतने रस्सी। अबे शादी में आया जो मैं तुझे मंगलसूत्र पहनाऊंगा। बड़ी रस्सी लेके आ वरना ये गन देगा मार मार के दो फीट का कर दूंगा समझे। साहब हम लोग मैनेज कर लेंगे ना साहब। रस्सी ला कर लेंगे ना साहब। पकड़ो करो। जोकर भी जोकर है। हेल्प करो मदद करो। तेरे पीछे मैं हूँ। और सब थोड़ा थोड़ा रस्सी बांधना चीटिंग नहीं करना। टाइट है ना? अरे साहब लूज हमको चलता भी नहीं है। गुड। हाँ निकलेगा नहीं ना? नहीं नहीं, नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। सुबह तक हिलेगा नहीं साहब। जवान दिया हिलेगा तो तीन बाप का। गुड है सर। बाय बाय। अरे झुक के क्या कर रहे हो आप? ताला खोल रहा हूँ। अरे ताला मारने को किसने बोला था आपको? अरे ताला मारेगा तो बाजू वाले को लगेगा ना कि बाहर गए ले। ने तो लगेगा कि हम लोग अंदर बैठे हैं। कि लात मत मार हेड़ा खोल रहा हूँ। चलो चलो। अबे मेरे को तो अंदर लो। अरे आज 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 बाबा मेन आइटम भी बाहर रह गया। ये ताला ये कोई अभी ये दरवाजा बंद कर दिया। फर्स्ट क्लास सब अंदर आ गए। चलो कॉस्ट्यूम पहना हुआ तुमने अभी भी। अरे की तुम ओके कबूतरों की तरह हवा में उड़ गए। सॉरी चल मेरे साथ तेरे को बताता हूँ। चलो बैग चेक करते हैं। चलो माल जल्दी कॉल जल्दी कॉल जल्दी कॉल जल्दी कॉल। बहुत दिनों के बाद हरी पत्ती देखने को मिलेगा देवा। ये तो घास फूस है। घास नहीं है रे, घास के नीचे देख। वो हम लोग आम के ऊपर घास कैसा बिछाता है। असली माल नीचे होगा तो देख। आम पकाते हैं ना वैसे माल। ये पकेगा माल। कुछ नहीं है यहाँ पर। अरे ये तो आटा है। आटा भी है इसमें। क्या मायला ये इतना मेहनत करने के बाद में मिला क्या? गाय का चारा? और वो तोतरे सांड को क्या आटा खिलाएगा तू? बाहर डालेगा हमें। अरे ये घास फूस नहीं है तो ये अपना गांजा है। गांजा चरस गांजा। हाँ और ये हीरोइन है। कौन सा पिक्चर का हीरोइन? अरे पिक्चर के हीरोइन नहीं है, ड्रग्स है। ड्रग्स ड्रग्स दे यार पुलिस वालों को दे देंगे वो कर लेंगे जो करना है इसके साथ। अरे यार बेवकूफो अपने को लाखों चाहिए करोड़ों चाहिए। क्या बात करता है ये घास का? तेरे को लाख रुपया कौन तेरा बाप देगा? ये लाखों का माल नहीं करोड़ों का माल है। तेरे को कैसे मालूम? मेरे को सब मालूम है। मेरे को मालूम है वो जो 4-5 करोड़ की बात कर रहे थे ना उन लोग ड्रग्स की बात कर रहे थे। और मैं एक और आदमी को जानता हूँ जो इसकी हेरा फेरी करता है। उसको मैं जानता हूँ। हम लोगों को कम से कम 3 करोड़ रुपए मिलेगा। 3 करोड़? हाँ। 3? ये बेच के अपना कर्जा तो चुकता हो जाएगा ना राजू? तेरे को इतना मालूम है ना? सब चुकता हो जाएगा। और बाकी जो गांजा बचेगा उसकी अगरबत्ती बना के बेच डालेंगे। माली माले जो मारा ये शिंदे ये मात्रे ये सब जेंटलमैन लोग इधर आओ रे बाबा। भाई ये धोती वाली आइटम तो बहुत नाच रही है। मैं बनाएगा ना पूरा एसी संडा और लोटा भी पूरा चांदी का पूरा चाल में ये सिक्कर डालेगा। किधर अपना माल इसने चोरी तो नहीं किया ना भाई? अबे ये काले चश्मे वाला सफेद कबूतर ये क्या चोरी करेगा रे?
साला बाजू वाले के कुकर की सीटी बजती है तो इसकी सीटी बजने लगती है। अच्छा ये सब भाई लोग इधर आओ, आज से कोई भी भाई पानी का लाइन में नहीं खड़ा रहेगा, मैं सबके घर में तीन तीन नल लगा देने वाला हूँ। जिसको गर्म पानी से नहाने उसके लिए गर्म पानी का नल, जिसको ठंडे पानी से नहाने उसके लिए ठंडे पानी का नल, और तीसरा नल नहीं, तीसरे नल में पानी नहीं आएगा बाबा, जिसको नहीं नहाने का है वो तीसरे नल के नीचे बैठेगा। ए एड़े, तेरे बाप की शादी है क्या रे? ओ, बाप ने शादी किया तभी तो मैं पैदा हुआ, तेरे जैसा नसीब नहीं है रे मेरा। शाम तक तोतले को पैसा देने और ये बाबू भैया बाहर उछल रहे। राजू, बहुत बुरा सपना है ये बाबू भैया, सारे चौल के सामने पैसा आने से पहले ढिंडोरा पीट रहे हैं। अरे वो सचमुच ढिंडोरा पीट रहे हैं सारे चौल के सामने चिल्ला चिल्ला कर। क्या बात कर रहा है? हाँ मैं तो बोलता हूँ यार, बोरिया बिस्तर बांध के हम लोग यहाँ से निकल चलते, नहीं तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे अपने को। उसको रोक, मैं ये सब कुछ संभालता, तू जा। इधर पब्लिक में शोर नहीं करने का रे। अबे मंदिर से चिल्लर चोरी कर क्या साले चिल्लर चोर? ये चोरी मंदिर से नहीं किया रे, चोर के घर से किया। बताऊ कल क्या किया मैंने तेरे को, बताऊ क्या? बोलो बाबू भैया, 5,000 का लॉटरी लगा तो ढोल बजाकर पूरे मोहल्ले को बताने की क्या जरूरत है? आप भी 5,000 लगा तो सटिया गया। लो सुन लो, 5,000 की लॉटरी में तीन तीन नल, बेवड़ा कहीं का। चलो चलो रे, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बाबू भैया चुप यार, चुप। बाबू भैया ये क्या कर रहे हैं आप? अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और आप सारे मोहल्ले में बर्थडे पार्टी मना रहे। बच्चा तो तेरे को बच्चा होने वाला है? ये राजू इसका शादी कब हो रही है बोल। अरे इसका शादी नहीं हुआ, शेख चिल्ली की फोटोकॉपी। रोकड़ा रोकड़ा आया नहीं कि अयाशी शुरू? ये पिज्जा कैसे लाए आप? वो डोमिनो वाले का स्कीम है ना कि 30 मिनट में नहीं आया तो फ्री देता है, मैंने उसका कर डाला। माने 30 मिनट के बाद आया पिज्जा? नहीं रे बाबा, वो तो बेचारा 20 मिनट में ही आ गया, लेकिन मैं उसके सामने गया ही नहीं, वो मेरे को इधर उधर ढूंढता रहा और मैं उसके पीछे पीछे घूमता रहा। जैसे 30 मिनट हो गया कि मैं कूदा, ला रे बाबा फ्री ला ला। तो मैं भी फ्री खाता हूँ, चलिए लाइए। हाँ तुम लोग दोनों बैठ के अय्याशी करो, मैं जाके काम करता हूँ, भंगार वाले को माल बेच के आता हूँ, ठीक है? हाँ यार जल्दी सौदा करके आज टोटले को चुकाने का आखिरी दिन है यार। अरे सैंपल लेके जा रहा हूँ, देख सैंपल, तू ये सैंपल के मुंह पे स्टेपलर लगा बस। ये धोतर चोर, धोतर, चलिए आप धोतर चोर। ये तो वही चाहिए, कलाना कलाना बंदूक वाला। भाई कचरा सेठ। हाँ बोलो कचरा सेठ। वो बंदूक वाला इधर ही जा रहे लाए। एक काम करो, तुम फटाफट फटफटी पर बैठ के यहाँ जाओ, तब तक मैं उसे संभालता हूँ। अच्छा चलो। तुम कड़क माल है ना? ये ले 5,000। नहीं नहीं सेठ, ये सैंपल है, मेरे पास 100-150 किलो है। 100-150 किलो माल, मतलब 2-3 करोड़ का माल है। तूने क्या गंजे का खेती चला के रखा? माल रेडी है, रोकड़ा रेडी है क्या? कैसी बात करता है, ये बंगार की दुकान में मैं 2-3 करोड़ रुपए लेके बैठूंगा? तो एक काम कर, तू मुझे फोन कर, ये मेरा सैमसंग का नंबर है, मुझे 4 बजे फोन कर। है? जा। इना मीना डी का? ए, तेरे को मेरे तीनों बेटियों के नाम कैसे मालूम? बता ना कैसे मालूम, बता ना। मेरे कॉलेज में पढ़ती है। ए, वो तीनों तो 3री में पढ़ती है। सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए मैडम। इना जी, मीना जी, डीना जी, मेरी बात सुनिए। मीना जी, तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? अरे मुझे आप में इंटरेस्ट है। क्या मेरा मतलब, मैंने आपको पैसे देने हैं ना, उसका इंटरेस्ट भी तो देना है। अरे मेरी बात तो सुनिए, कहाँ जा रही है? वहाँ समुंदर है। मैं समुंदर में जाऊँ या कुएं में डूब के मरूँ, तुमसे क्या? अबे वो देख, ओए बुलबुल, रंगदे बसंती चोला, तेरा भाई किधर है? तुम लोग ए, ए काले पीले गुंडो साले, एक हाथ मारूंगा ना खींच के सारी की सारी चर्बी बाहर आ जाएगी, समझे ना? ए तेरी तो, ए रहने दे रहने दे, पहचाना वही सरफिर आशिक है, पहले इस लड़की के भाई के 20 लाख रुपए खा गया, और जब अपने तिवारी सेठ ने इस छमिया को उठा लिया ना तो सामने से आके बोलता है चाहे तो मेरी जान ले लो पर इस लड़की को छोड़ दो। शाम तक पैसे नहीं दिए ना तो ये तो वैसे भी गया।
तो ये है तुम्हारी असलियत? नहीं नहीं टीना जी, मीना जी, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसे आप सोच रही हैं। ये तो मैं थोड़े लालच की वजह से पैसों का लालच, वो सॉरी, मेरी वजह से आपको और आपके परिवार वालों को तकलीफ हुई होगी, हुई है। आप शाम को सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं लगता आप मुझे माफ करेंगी, लीना, टीना, मीना, जो भी नाम है आपका। सुनो जी, दूसरी बात यह कि मेरा नाम अंजलि है। I'm sorry अंजलि जी। दूसरी बात? तो पहली बात क्या है? यही कि मेरे पैसे कब लौटा रहे हो? कौन से पैसे? अरे हाँ हाँ, छुट्टे नहीं है मेरे पास। यहाँ की पानीपुरी पूरे मुंबई में वर्ल्ड फेमस है, चलें। शर्म आ गई। चलिए चलिए चलिए। क्या हुआ? ये राजू अभी तक आया नहीं। वो तोतला के आदमी कभी भी मारने आ सकते हैं बाबा। वो लोग आए उससे पहले, चल जाकर राजू को ढूंढते। क्या बोलता है? हाँ चलिए। पांडुरंगा, टांग गिर गया इसको ढूंढते ढूंढते। सब भंगार वाले को पूछा मैंने, ये भंगार वाले मेरे को लाफा मार दिया। बाबू भाई, आप भंगार वाले से पूछेंगे यहाँ कोई गांजा बेचने आया था क्या, तो वो लाफा ही मारेगा ना आपको। ये कुतरिया गेला कुठे? वहां शांत हो जाइए आप, मिल जाएगा कहीं ना कहीं, यहाँ चार पांच भंगार वाले है ही। अनुराधा? अनुराधा नहीं रे बाबा, अनुराधा को कैसे बेचेगा? अरे अनुराधा बाबू भैया। Oh my God! Yeah, yeah! अरे पकड़ो पकड़ो! ये का डबल। बाबू ऐसे चली। ये का डबल करती है तू? बानू राधा! ये मिलिट्री अपने पीछे काय को पड़ी है? ठहर! बाबू भैया, ये राजू के चक्कर में आज हम शहीद हो जाएंगे लगता है। चलिए जल्दी। या शाम! बाबू भैया, ये धोती पैर में आ रहा है। अरे आप ऐसा धोती खोल के क्यों पहनते हैं फिर? तो तू बोले तो धोती निकाल के भागता हूँ। आप गाड़ी में बैठे, चलिए चलिए आप चलो। ये भाई साहब, हटो मेरा ठेला। यार रुक है। अनुराधा, मैं केला मारता हूँ छिलके पे फिर से। अनुराधा रुको, ये कटप कच्चा केला तो। अरे ये म्युनिसिपैलिटी को कहां लेके जा रहा ठेले पे? वो नहीं, लगता है लड़की मिलिट्री वाले के भी पैसे खा गए। अरे बाबा, मेरी अनुराधा को मिलिट्री वाले पकड़ रहे हैं। अनुराधा, आज प्यार का पहला दिन है, ये तो खाना ही पड़ेगा। आंखें बंद करो, मुंह खोलो। आ, 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 अनुराधा रुको। हा? मेरा पैसा खा गई क्या? आपको नहीं बोल रहा हूँ। ये पकड़। ये श्याम बाबूरा को बेचने क्यों निकला है? ये श्याम, राजू बहुत भाग रही थी। पकड़ रहे। ए, ए, मेरी अनुराधा को मार रहे, मेरी अनुराधा को मार रहे बाबू भैया। श्याम, ये इसका ब्रेक किधर? जय महाराष्ट्र। चल हीरे निकल, चल हीरे निकल। ए, मिलिट्री वाले भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरी अनुराधा प्यार से पेश आई है ना। ये छोड़ रही है, मेरा पैसा लेके भागे। छोड़ रहे तू मेरा पैसा? अरे मिलिट्री वाले नहीं, गुंडे हैं। क्या माइला, ये तो सब गुंडा लोग रे, भाग रहे। अरे बाबूया, बाबूया, मेरी अनुराधा। ए गुंडे भाई साहब, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कितनी बार बोले छोड़ो छोड़ो। मेरी अनुराधा, कितनी बार बोले, कितनी बार बोले। ये मारने का नहीं। राजू राजू, ये देख, मार मार। ये मेरा चश्मा। अरे तू क्या कर रहा है? या तू घर पे जा रहा है? अपना ही आदमी को मार रहा है, घर पे जा। अरे
इधर आ, इधर आ, इधर आ। पैसे किधर है? अरे अरिया तू उसको छोड़। पकड़ के रखो, पकड़ के रखो उसको। अरे मारा किधर? उठेगा तो बांबू से मारूंगा। इधर 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 मेरा पैसा दे मेरे को, मेरा पैसा चाहिए मेरे को, मेरा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए मेरे को, पैसा चाहिए मेरा, मेरा पैसा दो। राजू टेंशन मत ले यार, प्लीज यार। चल राजू संभाल, उसका हाथ निकल जाएगा राजू। तू चल। यानी वो कबीरा के साथ जो गुंडी थी तू उसकी बहन है? मेरी बहन का तलाक हो चुका था और उसकी एक बच्ची भी थी। पता नहीं कब वो कबीरा की गैंग के साथ काम करने लगी। मेरी बहन को तो कबीरा के साथ पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया था और उस बदनामी की वजह से मेरी नौकरी भी छूट गई थी और बहन की बेटी की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मेरे पास डांस बार में काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। एक दिन जब मैं घर पहुंची तो मुझे कबीरा के खास आदमी की एक चिट्ठी मिली। अगर तू अपनी बहन की बच्ची को जिंदा देखना चाहती है तो एक जाली फाइनेंस कंपनी खोल और वो तीन जिन्होंने मेरे बॉस कबीरा के पैसे खाए हैं उनसे वो पैसा वसूल कर, वो भी दुगना। मैंने उनके कहने के मुताबिक आप लोगों से लिया हुआ सारा रुपया डायमंड्स में तब्दील किया, लेकिन जब मैं उन्हें वो डायमंड्स देने उनकी बताई हुई जगह पर पहुंची तो बच्ची भाग गई। अरे एक छोटी सी बच्ची पर तुम लोग नजर नहीं रख सकते हो यार? बच्ची मौसी हीरे लेके आएगी, मैं उसका क्या करूंगा, मैं क्या खाऊंगा? आ गई हीरे ला। नहीं ए, ए, हीरे, ए, पकड़ा। अब्बू चाचा, अब्बू चाचा। अरे बेटी तू? चाचा चलिए यहाँ से, मेरी गाड़ी बिगड़ गई है, टाइम लगेगा। मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं। ओह माय गॉड। चाचा ये किसी की अमानत है, आप इसे संभाल कर रखिए, मैं बाद में ले लूंगी। उस दिन से आज तक मैं उन लोगों से अपनी जान बचाकर भागी रही हूँ। गुंडों से पीछा छुड़ाकर जब मैं अब्दुल चाचा के घर पहुंची तो अब्दुल चाचा अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। चाचा, चाचा मैंने जो अमानत आपको दी थी वो कहाँ है? क्या लगता है मरने से पहले मुर्गा देखना चाहते हैं? कुकड़ू को क्या? कुकड़ू को चाचा, कुकड़ू को, कुकड़ू को, कुकड़ू को, कुकड़ू को, कुकड़ू को। कैसे है ना एकदम कड़क? 100-150 किलो है, बोलो कितना चाहिए, बोलो। साले कचरे के आइटम, मेरा माल चुरा कर मेरे कोई बेचता है? अरे अरे तू मेरा माल, मैंने किधर चुराया? अरे किसने चुराया? अरे मेरे को क्या मालूम किसने चुराया। एक छोकरा आया था 6 फुट का, ये 6 इंच की पुड़िया लेके। माल किधर है? छोकरे के पास। अबे छोकरा किधर है? मैं जेब में लेके थोड़ी घूमता हूँ, मैंने उसे फोन करने को बोला है 4 बजे, उसका ही होगा, उसका ही होगा, उसका ही होगा। हेलो कचरा सेठ स्पीकिंग। हाँ कचरा सेठ, राजू बोल रहा हूँ। उसका ही है। फौरन माल लेकर बुला इधर। भाई तेरे लिए पैसे का इंतजाम हो गया है, तू झट माल लेके इधर आ जा। किधर? इधर बोले तो शैतान गली, खतरा महल, अंधेर नगर और शमशान के सामने। अच्छा अच्छा अच्छा, शमशान के सामने, ठीक है ठीक है। शमशान के एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कचरा सेठ एक मिनट। वो माल देने को बुला रहा है कि जान देने को बुला रहा है? हाँ, शमशान के पास नहीं, कहीं और बोलना, कहीं भी यार। हटो तो। कचरा सेठ, कचरा सेठ, वो रॉयल सर्कस देखा आपने? हाँ वो जो SG मैदान के सामने मटुंगा के पास। हाँ वही 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 रॉयल सर्कस। काई को? प्लीज प्लीज, वो रॉयल सर्कस में बुला रहा है। क्यों, छोटा बच्चा है क्या? शक्ल से तो बड़ा है, अकल का पता नहीं। अच्छा अच्छा, जो भी है फौरन बुलाओ उधर। हाँ भाई तू जल्दी आ जा, रॉयल सर्कस में आ जा, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके बाय बाय बाय। फर्स्ट क्लास खोली में जाके माल लेते और सर्कस में जाके माला माल लेते। हाँ, चल, 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 चल। तोतला सेठ को कौन फोन करेगा? तोतला सेठ, तू करना, तू करना फटाफट कर, 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 कर। अरे पैसा डालना अंदर। हेलो तोतला, क्या कर रहे तू? सॉरी सॉरी। हेलो तो तिवारी सेठ,
तिवारी सेठ वो 40 लाख आपके मिल गए, आप प्लीज वो रॉयल सर्किल के पास वो मटुंगा के पास आकर उधर से ले लेना। रॉयल सर्किल क्यों? तुम लोग पैसा लेते ले दलाओ। क्योंकि क्या वो रकम बड़ी बड़ा भारी भी है ना, हमको वही मिल रहा तो आप वहीं से आके ले लेना ना। ओके ठीक है, फर्स्ट क्लास। चल 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 जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो चलिए चलिए।